हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कर्नाटका एमपीटी और कर्नाटका डी फार्मा और कर्नाटका एम फार्मा। इन तीनों का एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुकी है, तो आपको कैसे चेक करना है आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो मेक श्योर करें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया है कर्नाटका के रिलेटेड, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात आज की नहीं है कि आप एडमिट कार्ड चेक करें, आज बात है अगले कुछ सालों की, जब तक आप पढ़ाई करेंगे। तो जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, आपके वाइवास, आपके इंटर्नशिप्स, आपके कल्चरल इवेंट्स होंगे, आपके टेक्निकल इवेंट्स और आपके प्लेसमेंट फेस्टिवल, आपके कल्चरल फेस्टिवल, आपके टेक्निकल फेस्टिवल होंगे। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये स्पेशल चैनल बनाया गया है इंडियन एडवांस स्टडीज़, कर्नाटका के रिलेटेड बनाया गया है इसको। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आपको क्या करना है, किसी ब्राउज़र में google.com ओपन करना है और वहाँ पर कर्नाटका एमपीटी 2020 आई ए एस पर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है। यहाँ पर आपको कर्नाटका के रिलेटेड सारे अपडेट, सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पर सर्च कर लेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कर्नाटका, ओके। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ कर्नाटका एमपी 2020, यहाँ पे ISAPER.net लिखा होता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, मैं जूम कर देता हूँ पहले आपसे, ओके 125 जूम कर देता हूँ, जिससे आपकी विजिबिलिटी और बेहतर तरीके से देख पाएंगे। एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुकी है, यहाँ पे लिखा हुआ है कर्नाटका एमपीटी, ओके। तो यहाँ पे रिलीज़ हो चुकी है। तो ये जो फॉर्म आए, इस फॉर्म को आप सेलेक्ट फॉर्म फिल कीजिए। इस फॉर्म में आपका फुल नेम रहेगा, इस फॉर्म इधर आपका ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पे डाल दीजिए, फिर आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है ना, ओके, जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है ना वो यहाँ पे डालिए, यानी कि मोबाइल नंबर जो है ना, मोबाइल नंबर 9867 कुछ भी हो सकता है आपका, तो वो यहाँ पे डाल दीजिए। सेलेक्ट योर करंट स्टेट, आप कहाँ से, फॉर एग्जांपल अगर मैं आसाम, बिहार, गुजरात, कहीं का भी हो सकता है, तो फॉर एग्जांपल मैं गोवा से, तो गोवा पे क्लिक करूँ। गोवा का कहाँ का रहने वाला, पंजे का, तो पंजे पे सेलेक्ट करूँ। सेलेक्ट और कोर्स की डिग्री इंटरेस्ट, आप कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, डिस्टेंस लर्निंग, BCA, MSCA, फैशन डिजाइन, आर्किटेक्चर, मीडिया, जर्नलिज्म, लॉ, जर्नलिज्म, आर्ट, ह्यूमनिस्ट, लॉ, साइंस, एनिमेशन, मल्टी मीडिया, साइंस, ओके, फाइनेंस, अकाउंट, मेडिसिन, हेल्थ केयर, होटल मैनेजमेंट, एविएशन, फैशन डिजाइन। तो आप इनमें से किसी भी कोर्स में इंटरेस्ट हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अकाउंट पे, तो अकाउंट पे क्लिक करूँगा, फिर आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन चूज़ करनी, फिर यहाँ पे आपको गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कर देना है। फिर क्या है, आपके कॉन्टैक्ट नंबर, आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS आएंगे, कर्नाटका के रिलेटेड अब यहाँ पे आएंगे नोटिफिकेशन। तो आपको क्या, गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कर देना, फिर यहाँ पे कट कर देता हूँ। उससे पहले आप गुड न्यूज़ सुन लीजिए, गुड न्यूज़ के आगे बाद हम आगे चलते हैं। पहले गुड न्यूज़ सुन लीजिए। गुड न्यूज़ क्या है, इंडिया के देश के टॉप 7th यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन चालू, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ आप इनमें से किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। यहाँ पे फर्स्ट है यहाँ पे NMET यूनिवर्सिटी, IBCET यूनिवर्सिटी, मानव रचना यूनिवर्सिटी, बेनेड यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी एंड सेंट एंड्रयू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ओके। तो इन यूनिवर्सिटी में ना फुल फ्लो में एडमिशन चालू, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ आप इन में से किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। इन यूनिवर्सिटी में क्या होता है, इन यूनिवर्सिटी में होता है कि आप तो किसी आसपास के जो जिधर नियर बाय रहेंगे वो बच्चे, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे एडमिशन कराते ही हैं, और स्टेट्स के भी बच्चे कराते हैं। और इतना ही नहीं, जो फॉरेन कंट्री के जो बच्चे होते हैं ना, वो भी यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। तो जब आप उनके साथ पढ़ते हैं, लिखते हैं, बातें करते हैं, खेलते कूदते साथ में रहते हैं, तो क्या होता है, आपका कल्चरल एक्सचेंज होता है, आपका नॉलेज एक्सचेंज होता है, आपका लैंग्वेज भी एक्सचेंज होता है, आपका माइंड सेट एक्सचेंज होता है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ आप इनमें से किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। यहाँ पे अप्लाई ना कर सकते, किसी भी यूनिवर्सिटी में लेना है तो, ओके, जिस यूनिवर्सिटी में लेना अपना अप्लाई ना कर सकते। तो यहाँ पे चलिए देखते कैसे करना है आपको। कर्नाटका एम पी एडमिट कार्ड हैज़ बीन रिलीज्ड, सेम जैसे मैंने बताया यहाँ पे डी फार्मा एम फार्मा सेम टू सेम, उन लोगों को भी ऐसा ही करना है जैसे मैंने बता रहा हूँ। वहाँ पे बस यहाँ पे MPT लिखा हुआ है ना, तो वहाँ पे बस डी फार्मा रहेगा या फिर एम फार्मा रहेगा, तो एडमिट कार्ड ऐसे रिलीज लिखा रहेगा। तो यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक हेयर करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे, मैं जूम कर देता हूँ जिससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाए और आप बेहतरीन तरीके से देख पाएँ। यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड हॉल टिकट, एंटर योर एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, ओके, आपका एप्लीकेशन नंबर चाहिए, ओके।
फिर डेट ऑफ बर्थ जो है आपका वो सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करना है आपको बताता हूँ। ओके, कौन सा ईयर है पहले वो सेलेक्ट करना है आपको, जो भी ईयर होगा तो वो सेलेक्ट करना है मुझे यहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल। ओके ओके 2000, तो 2002 फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे सेलेक्ट किया मैंने। फिर कौन सा मंथ है वो सेलेक्ट करना है, और कौन सा डेट है वो सेलेक्ट कर लेना है। फॉर ओके मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो ये है। फिर यहाँ पे सबमिट कर देना है, तो जैसे सबमिट कर देंगे यहाँ पे तो आपका एडमिट कार्ड आप देख पाएंगे। तो अगर आपको कोई डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट करें। उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी सारी क्वेरीज डाउट को क्लियर कर दिया होगा। तो ऐसे वीडियो फ्यूचर में पाने के लिए ऐसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये वीडियो पसंद आए तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।